तो गाइस एलिमेंट आप समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन जान चुके हैं एचटीएमएल का। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट बनानी है, आप चाहते हो कि आप भी कोई अच्छी वेबसाइट बनाओ जो कि आपकी वेबसाइट दिखे, तो बेसिकली बात है आपको कोडिंग आनी चाहिए। और कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है एचटीएमएल, और ये क्लास एचटीएमएल की ही चल रही है। ठीक, आपने एलिमेंट्स देख लिया, अब बात आती है एट्रीब्यूट्स की, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली स्पेशल जो टैग्स होते हैं, स्पेशल जो वर्ड्स होते हैं, या एट्रीब्यूट्स एलिमेंट होते हैं, जो स्पेशल एलिमेंट्स, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि इमेज टैग्स के अंदर कोई भी हम पाथ लिंक डालते हैं, SRC के अंदर, एंकर टैग में, HREF के अंदर हम डालते हैं कोई भी लिंक, तो ये जो हम लिंक डाले हैं, मतलब कि कोई भी एक वर्ड जो दूसरी बड़ी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, कि स्पेशल फील करा रहा है उस वेबसाइट के अंदर, ये होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। ठीक, इतनी ज़्यादा मुसीबत वाली बात नहीं है, आप इजीली याद कर लेंगे। ठीक, बाकी आपको स्क्रीनशॉट और जो दिखाई दे रही है सब स्क्रीन पर, ये सब आपके लिए और इजी कर देती हैं चीज़ें। ठीक, आप धीरे धीरे सब चीज़ें सीखते रहेंगे, आप हमें फॉलो करें और भी वीडियोस आती रहेंगी।